नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि राहु से राजयोग, कुंडली के अंतर्गत राहु की स्थिति के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक से राजयोग बन जाते हैं। अब राजयोग का तो आपको पता है कि राजयोग क्या होता है। राजयोग एक ऐसा योग जिस योग में व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता है, जिसको हम लग्जरी लाइफ कहते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही नामी ग्रामी या बहुत फेमस ऐसा व्यक्ति होता है और पैसे की तो कमी ही नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति सब साधनों से लैस होता है, भौतिक जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। जिनकी कुंडली के अंतर्गत राहु अपना राजयोग, बेहतरीन राजयोग बनाता है। तो आइए बात करते हैं इन डिटेल्स। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु से राजयोग की। तो दोस्तों, राहु से राजयोग कैसे बनता है? कुंडली के अंतर्गत पाए जाने वाली अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग राहु राजयोग बनाता है। उस राजयोग में कभी राजयोग बहुत बड़ा भी बनता है, कभी सामान्य बनता है और कभी एक स्थायी या सामान्य रूप में स्टार्टिंग राजयोग भी बनता है। तो इसमें कई प्रकार के राजयोग बनते हैं और अलग अलग राजयोग में राहु अलग अलग तरीके के फल देता है। तो कुंडली के किस ग्रह में राहु बैठा हुआ है और वो राहु किस स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ सामान्य चीजें बताऊंगा जिसमें कि राहु एक नॉर्मल तरीके से किस तरीके से बैठ सकता है और राजयोग बना सकता है। वो इस तरीके से दोस्तों कि जैसे कुंडली के कुछ विशेष घर, जैसे कि लग्न में राहु होना भी राजयोग बनाता है और सबसे पावरफुल राहु राजयोग बनाता है कुंडली के 10th हाउस में, 4th हाउस में, 9th हाउस में और कुंडली के 11वें घर यानी कि 11th हाउस में बैठकर विशेषकर राहु अपना बहुत बड़े बड़े राजयोग बनाता है। और इसमें से भी 9th हाउस में और 11th हाउस में बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। इसी के साथ साथ कुंडली के 3रे घर में और 12वें घर में भी देखा गया है कि राहु बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। लेकिन राहु यदि कुंडली के 3रे घर में, 7वें घर में, 4थे घर में, 10वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में, इन घरों में यदि राहु हो तो किसी न किसी प्रकार का राहु राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सफलता जरूर होती है और अचानक से आने वाली सफलता ज्यादा विशेष रूप से देखी जाती है। यदि आपकी कुंडली के अंतर्गत भी यदि राहु इन स्थानों में है तो आप ये समझिए कि आपके लिए राहु बहुत अच्छा है और आपके जीवन में भौतिक संसाधन, भौतिक सुख जरूर देगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ही राहु तब बड़ा राजयोग बनाता है जब इन घरों में यदि राहु वृष राशि का हो, मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, मीन राशि का हो। इन राशियों के अंतर्गत यदि इन घरों में, जो मैंने आपको घर बताए, इन घरों में यदि राहु है तो तब बहुत सुंदर योग बनाता है। और कई ज्योतिषियों ने गणना की है कि राहु जो है कर्क राशि में बैठ करके भी राहु जो है बहुत अच्छा योग बनाता है। लेकिन विशेषकर यदि इन राशियों में 9वें घर में और 11वें घर में यदि राहु हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्टार्टिंग से, इनकी बचपन से ही ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से ही बड़े स्ट्रांग होते हैं, पैसे वाले होते हैं और आगे अपने फ्यूचर में और बिजनेस करने पर और बड़े उद्योगपति और पैसे वाले बनते हैं। लेकिन 9वें और 11वें घर के अलावा जिन घरों में भी राहु बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति अपना बाल्यकाल एक सामान्य रूप से जीते हैं, यूं कह सकते हैं कि मिडिल फैमिली के अंतर्गत पैदा होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति 9वें और 11वें में राहु अपनी स्वराशिगत मित्र राशिगत बैठने के अलावा जो घरों में यदि राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बाल्यकाल में थोड़ा सामान्य होते हैं, मिडिल फैमिली से होते हैं, लेकिन बाद में अपने जीवन में इनको राहु जो है इनके कर्मानुसार जो हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम अमीर हो सके, पैसे वाले बन सके और अपने जीवन में सुखी हो सके, तो ऐसे लोगों को सुख देने वाला राहु होता है। लेकिन अपनी आने वाली जीवन में, अपने आने वाले फ्यूचर में ऐसे लोगों को राहु बहुत अच्छा देता है। तो वीडियो के अंतर्गत आपको पता है कि वीडियो सीमित होती है और सीमित ही चीजें हम वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन यदि आप और विशेष रूप से देखना चाहते हैं कि आपका राहु आपकी कुंडली में राजयोग बनाता है या नहीं बनाता या किस लेवल का राजयोग बनाता है, लेकिन हाँ दोस्तों, यदि राहु आपका है और वो खराब है, पावरफुल नहीं है, वीक है, तब भी राजयोग भंग हो जाता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं या भंग राजयोग कहते हैं। ऐसा भी होता है कि राहु राजयोग बना तो रहा है लेकिन भंग हो चुका है, इसके कारण राजयोग नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे राहु के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके से आप अपने राहु को बलिष्ठ बना सकते हैं और आप अपनी कुंडली के अंतर्गत चेक कर सकते हैं कि आपका राहु क्या राजयोग बना रहा है या नहीं बना रहा है, और अगर बना रहा है तो कैसे आपको पता लगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे नंबर्स पर, आपको फ्लैश होंगे नंबर और इन पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने कुंडली को दिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुंडली दिखाने की यहाँ पर फीस है, जो फीस देने के कैपेबल है वही अपॉइंटमेंट ले और आपको हम एनालिसिस करके आपको सारी चीजें बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ज्योतिष के किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे।